हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, जिसे हम लोग फिंगर चिप्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा केजी आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने धोकर छीलकर अच्छे से इस तरीके शेप में काट कर लिया। बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटे हैं, मतलब मीडियम, थोड़ा सा मोटे मोटे रखना है हमें इसको। तो इसको बहुत से लोग फिंगर चिप्स भी बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी बोलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक भगोनी में गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, जिसमें मैं आधा चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम अब ये आलू को उसके अंदर डालेंगे। मैंने इन आलू को अच्छे से वॉश किया और कम से कम लगभग 3 से 4 बार इनका पानी निकाल दिया है। और जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इन आलुओं को पानी के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। पानी बाउल हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे से आलू डालेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे आलू इसमें डाल देंगे। हमने सारे आलू को डाल दिया और एक बार इसको अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे। और आलू को हमें बहुत ज़्यादा खदकाना नहीं है, मतलब इसको थोड़ा मीडियम ही पकाना है, क्योंकि इसके बाद इसको फ्राई भी करना है, इसलिए हम इसको सिर्फ आधा पकाएंगे। देखिए आलू बॉईल हो रहे हैं इस तरीके से, तो मैंने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इस तरीके से बॉईल करूँगी, क्योंकि मुझे अधकच्चा बोलते हैं जिसे, आलू वही चाहिए। तो अभी मेरा लगता है 1 मिनट हो गया और लगभग 1 मिनट और पकाऊँगी और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि आलू की जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ में ही है। तो हम इसे फिर इतना ही पकाएँगे और अब मैं इंडक्शन बंद कर लूँ। और इसको हम एक इस तरीके की जो छलनी होती है, जिसमें मैं इसको निकाल लूँगी और सारा पानी इसका निकल जाएगा, जिससे। तो मैंने अभी आलूओं को इस तरीके की छलनी में निकाल दी, जिससे इसका सारा पानी थोड़ी देर में सोख लेगा और जितना भी पानी है वो नीचे लगी हुई पतीली में निकल जाएगा। और कुछ लोग चाहते हैं तो इसको कपड़े पे भी सुखा लेते हैं अच्छे से। और जब तक ये पानी निकल रहा है, तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम धीरे धीरे करके इस तरीके से इसमें ये जो बॉयल आलू है धीरे धीरे करके डाल देंगे। पानी भी शायद थोड़ा सा बाकी था, इसलिए इस तरीके से छिटे दबा जाएगी और इसको हम थोड़ा पकने देंगे। तो मैंने इसे कढ़ाई से निकाल लिया और मैंने इसको थोड़ा वाइट कलर में रखा हुआ है, लगभग ज़्यादा डार्क नहीं किया है। तो ये फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर में नहीं होते हैं। और मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है। तो ये तो हमारा हो गया फ्रेंच फ्राइज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फिंगर चिप्स क्या होता है। फिंगर चिप्स को दरअसल थोड़ा सा डार्क कलर में भूंजा जाता है, फ्राई किया जाता है। मैं अभी आपको करके वो भी दिखाती हूँ। तो हमारी एक फर्स्ट रेसिपी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए अब हमने इसको फ्राई कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा डार्क फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें ये फिंगर चिप्स के लिए करना है। कुछ लोग उसमें अरारूट का भी यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा ये क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। बट मैं बिना विदाउट अरारूट इसको बना रही हूँ, तो आप देखिएगा कि मेरे कितने क्रंची बनते हैं। तो देखिए हमारे जो फिंगर चिप्स वो बनकर रेडी हो गए और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। दो अलग पार्ट हो गए, मैंने थोड़ा डार्क कलर में फ्राई किया। अगर आप चाहें तो जब इसको फ्राई करते हैं तो उसमें अरारूट, जो आलू हम लोगों ने बॉईल किया था उसमें अरारूट का यूज़ करते हैं, हल्का कलर का यूज़ करते हैं, कलर देने के लिए जो रेड कलर का हम लोग को रेस्टोरेंट में मिलते हैं उसके लिए। मैंने यहाँ विदाउट अरारूट और विदाउट कलर यूज़ किया है। तो ये सिंपल भी है और मतलब ईजी भी है और हेल्थी भी है, मतलब क्योंकि घर का बना हुआ है, ना इसमें कोई कलर है ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं इसमें थर्ड रेसिपी बताऊंगी इसी चीज़ से, कि हम थर्ड रेसिपी कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं इसी से, हम लोग चिली पटेटो बनाने वाले हैं, जो हमने फिंगर चिप्स को तल के रखा हुआ था। तो फिंगर चिप्स हैं, यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्ची को कट कर लिया धोने के बाद, और यहाँ पर मैंने 1 प्याज को लंबे लंबे स्लाइसिस में काटा है। यहाँ 2 हरी मिर्ची ले रखी हैं, टमाटो केचप, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं, उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरा फ्राई हो रहा है हमारा। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अगर आप
आप चाहें तो उसमें अगर अभी विंटर का सीजन आ रहा है, आप चाहें तो और भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सफल मटर हुआ अपना, गाजर हुआ, अगर जो भी आप सब्जियाँ यूज करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल शिमला मिर्ची यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग चिली पटेटो बना रहे हैं, इसलिए अब हम इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर दिए और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ, नमक हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इसको इतना ऐड करना है कि शिमला मिर्च हमारी थोड़ी सी कम जाए, और इसमें थोड़ा सा हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से मैश करेंगे और लगभग थोड़ी देर से पकने देंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोया सॉस का यूज़ कर लूँ। थोड़ा सा विनेगर और लास्ट में डालेंगे टमाटो केचप। ये हमने लास्ट में टमाटो केचप इसमें ऐड कर दिया। अब सभी को अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 4-5 मिनट के समथिंग इसको पकने देंगे। और इसमें हम जो पटेटो फिंगर चिप्स हैं जो हमारे, उसको इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें लास्ट में फिंगर चिप्स जो है हमारे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए और उसको अब अच्छे से मिलाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये हमने घर में बनाया है, तो अगर बच्चों को जैसे जब भी मन करता है तो हम उनके लिए घर में ही बना नहीं सकते हैं, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है घर का है। आप चाहें तो जो सोया सॉस वगैरह वो हम लोगों ने इसलिए यूज़ करते हैं, उसको हमारा कलर है जो थोड़ा सा इसका शो अप जो होता है वो अच्छा रहे, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोया सॉस ना डालें और विनेगर की जगह आप घर का बना हुआ नींबू का जो रस होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमचूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के घर की घर में चीज़ आइटम बन जाएगा, तो बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। तो हमने इसे 2 मिनट पका लिया और अब हम इसको बंद करके एक प्लेट में सर्व कर रहे हैं। तो गर्मा गर्म चिली जो हमारा चिली पटेटो है वो रेडी है। तो हमारा गर्मा गर्म चिली पटेटो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी एक बार इसी रेसिपी के साथ अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने इस तरीके से आज आपको 3 रेसिपी सिखाई है, तो 1 टाइम आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। धन्यवाद।